आदरणीय हमारे यूट्यूब भाई लोगों, मैं आज अपना सरसों का खेत दिखाने आया हूँ। देखिए ये सरसों बहुत अच्छी है, ये पीली सरसों है। इसका तेल सब सरसों से ज़्यादा अच्छा होता है और इसका इस तेल का जो पहली घानी पीली जाती है, खर नहीं डाली जाती, खर से पहले तेल हम निकलवा देते हैं, वो गरीबों तक हम पहुँचाते हैं, इसलिए कि वो मालिश के लिए उसका सिस्टम होता है। उसके बारे में देखिए एक वो कमेंट आ रही है, कुछ फ़ोन पे पूछ रहे हैं, बता दें इनको। तो भैया आपको मैं बता दे, देखिए ये हमारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये जड़ी बूटियां में इसे तैयार करते हैं और पत्तों से, इसकी छाल से, इसकी जड़ से। देखिए ये बहुत दूर तक चला गया है, देखिए ये खेत बहुत दूर तक चला गया है और ये लगे हुए हैं और इसमें हजारों प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं। तो इस तेल की सरसों की मालिश करने से और बाल भी नहीं झड़ते हैं और यही एक ही तेल यूज करना चाहिए। इसमें मैंने कड़ी पत्ता भी लगा दिए हैं जो सिर के बालों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं आप लोगों को। और हर प्रकार की जड़ी बूटियां यहां पर खड़ी हुई हैं, देखिए एक पाताल गुणी भी खड़ी हुई है। लेकिन आज सरसों के बाद इसको स्टार्ट होते ही इसको इसकी कटरी बनाई जाती है, देहाती भाषा में इसे सरसों कहते हैं। तो इसका साग खाया जाता है और बड़ी हो जाती है तो इसकी सरसों निकलती है, इसको झाड़ा जाता है, फिर उसके स्पेलर से इसको पिरा कर इसमें खली अलग निकलती है, तेल बनता है। और इसकी लकड़ी है वो काट के चूल्हे में जलाई जाती थी पहले ज़माने में, हमारे यही सब कुछ होता था, हजारों प्रकार की जड़ी बूटियाँ। भाई लोगों जड़ी बूटियों के बारे में मैंने बताया, देखिए ये सब पाताल गुणी सब एक से एक बड़ी। देखिए ये कड़ी पत्ता है, ये कड़ी पत्ता का पेड़ खड़ा हुआ है। तो ऐसे हजारों प्रकार की जड़ी बूटियाँ खड़ी हुई हैं। हम तो ये कहते मेरे गरीब भाई, अंग्रेजी दवा से थोड़ा बच के रहिए और इसको खाइए, ये जड़ से मर्द को ख़त्म कर देती है। और जब भी दवा अगर खाने से पहले डॉक्टर और वैद्य की राय लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जड़ी बूटियाँ भी बहुत बहुत तेज होती हैं। धन्यवाद, लाइक कमेंट सब्सक्राइबर जरूर करना।